सो गाइस, आप लोगों के लिए है एक सरप्राइज। क्या है सरप्राइज देखते हैं। सबसे पहले मैं राइट स्लाइड करूंगा। मेरी टीटीएस की आवाज सुनिएगा आप लोग। 11 सेकंड, करेक्ट। संडे 9 जून, अनलेबल ओके, फोन कॉन्टैक्ट्स, कॉन्टैक्ट्स, व्हाट्सएप, व्हाट्सएप, खुश हो गए, फेसबुक, फेसबुक, मैसेजेस, सेटिंग्स, यूट्यूब। तो गाइस, आप लोगों ने आज तक इस वॉइस को अपने लैपटॉप कंप्यूटर में आपने यूज किए होंगे, है ना। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप लोग अपने फोन में भी ये वॉइस यूज कर सकते हो और बहुत ही अच्छे से रीड करता है। चाहे कितना भी बड़ा आपके पास कितना भी बड़ा टेक्स्ट हो, कभी नहीं रुकता। गूगल टीटीएस तो रुकता ही है ना, लेकिन ये टीटीएस कभी नहीं रुकता गाइस। और बहुत ही अच्छा टीटीएस है ये, क्या बताओ इसके बारे में, जितना को उतना कमी है। आज तक किसी ने भी अपने फ़ोन में जो है इस टीटीएस को यूज नहीं किए हैं, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद सभी लोग यूज करेंगे गाइस। तो कौन सा टीटीएस है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, सब कुछ हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें अभी तक नहीं किया तो, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करें, ताकि जब भी हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप सबसे पहले हमारी वीडियोस देख सकें। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूले, क्योंकि गाइज हमारे जो भी भाई है ना, जो भी विजुअली इम्पेक्ट पर्सन है, वो टीटीएस के तो दीवाने ही रहते, हर नई नई वॉइसेस यूज करना चाहते ही है ना। इसीलिए गाइस, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और गाइस, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, आई वॉइस आपको कैसी लग रही है, सब कुछ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें। क्या आप लोगों को इस टीटीएस के बारे में पता था या नहीं था ये भी बताइए। क्या ऐसी नए नए टीटीएस के ऊपर वीडियोज आनी चाहिए ये भी जरूर बताइए। तो गाइस, मैं हूँ आप सभी का दोस्त प्रमोद, और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले और एक जानकारी देना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हो तो ज्वाइन कर सकते हो अबाउट पेज के माध्यम से हमें कांटेक्ट करके। हमारे पास मेल के लिए अलग सा ग्रुप है और फीमेल्स के लिए भी अलग सा ग्रुप बनाया गया है, तो आप लोग हमें कांटेक्ट करके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए, अब बिना देरी किए करते अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस, चलिए अब हम आपको बताते हैं सबसे पहले टीटीएस का नाम। और टीटीएस का नाम जानने से कुछ नहीं होगा, सेटअप कैसा करना है वो भी आपको जानना होगा, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहना है। कुछ भी मिस्टेक, थोड़ी भी मिस्टेक करते हो आप लोग तो फिर आपका टीटीएस वर्क नहीं करेगा, क्योंकि टीटीएस के साथ साथ कुछ फाइल भी होते हैं जिनको अनजिप करके इम्पोर्ट करना होता है, ठीक है। तो कैसे करना है सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो गाइस, ये एप्लीकेशन कहाँ मिलेगी ये बता देते हो। ये एप्लीकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो कि टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे चैनल के अबाउट पेज में दी गई है, ठीक है। तो वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के बाद फिर आप सबसे पहले तो मल्टी टीटीएस को डाउनलोड कीजिए, ठीक है। मल्टी टीटीएस को डाउनलोड करके इंस्टॉल कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको एक माइक्रोसॉफ्ट की जो है जिप फाइल मिलेगी, ठीक है। तो उसको अनजिप करना है। अनजिप मतलब कि जो फाइल मिलेगी आपको टेलीग्राम पे, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट की, वो 500 MB की है, ठीक है। तो मैं बताऊंगा कितने MB की है, मैं दिखाऊंगा अभी, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। लेकिन 500 से ज़्यादा ही है, लेकिन 600 की नहीं है, ठीक है। तो 500 कुछ MB की वो फाइल है, जिसको आपको सबसे पहले तो सेव टू डाउनलोड करना है। टेलीग्राम चैनल से सेव टू डाउनलोड करोगे, उसके बाद फिर उसको एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। फिर एक्सट्रैक्ट कर लिए, बस काम हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद फिर आपने मान के चलो अभी मल्टी टीटीएस को भी डाउनलोड कर लिए, अब वो जो फाइल है माइक्रोसॉफ्ट की उसको भी आपने जो है एक्सट्रैक्ट कर लिए। अब आगे का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आपको एक्सट्रैक्ट करने तो आता ही होगा उसे, है ना। तो चलो, अब हम सबसे पहले चलते हैं मल्टी टीटीएस में, ठीक है। तो मल्टी टीटीएस में चलते हैं। लेकिन मल्टी टीटीएस है गाइस, ठीक है। मैं आपको स्पेलिंग भी सुना देता हूँ। टीटीएस, मल्टी टीटीएस, ठीक है।
10 AM तो आपको क्या करना है, अब मल्टी टीटीएस पे क्लिक करना है. ओके तो मैं मल्टी टीटीएस पे क्लिक करूंगा. तो मैंने मल्टी टीटीएस पे क्लिक किया, मतलब कि मैं अब मल्टी टीटीएस में आ चुका हूँ. अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है राइट स्लाइड Speed 50% slide SPD volume 50% ये वाली वगैरह सब कुछ यहाँ पे तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है मोर ऑप्शन. ठीक है तो आपको मल्टी टीटीएस में आने के बाद आपको मोर ऑप्शन पे क्लिक करना है. मोर ऑप्शंस बटन, मोर ऑप्शंस पे क्लिक करता हूँ. ओके मोर ऑप्शंस पे जैसे मैंने क्लिक किया, अब आगे स्लाइड करते हैं. सेटअप टीटीएस. ओके यहाँ पे है सेटअप टीटीएस. आगे क्या है, सेटिंग्स, इम्पोर्ट डेटा. तो आपको इम्पोर्ट डेटा पे क्लिक करना है. ठीक है तो आपने तो जो है माइक्रोसॉफ्ट का फाइल आपने अनजिप कर लिए, एक्सट्रैक्ट करके हो चुके हैं. ठीक है उसके बाद ही आप इस एप्लीकेशन में आओगे. ठीक है जैसा मैंने बताया है. ठीक है तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसको इम्पोर्ट करेंगे वो जो माइक्रोसॉफ्ट की जो फाइल है. ठीक है इम्पोर्ट डेटा पे क्लिक करता हूँ मैं. ओके इम्पोर्ट डेटा पे क्लिक किया, अब यहाँ पे हमारा फाइल ओपन हो चुका है. देखो यहाँ पे है सर्च. यहाँ से आपने जिस भी फोल्डर में उसको एक्सट्रैक्ट किए हो उस फोल्डर में भी जा सकते हो डायरेक्टली, या तो फिर यहाँ से सर्च भी कर सकते हो. ठीक है तो मैं यहाँ से सर्च कर देता हूँ अपने फाइल को. ठीक है रीसेट सर्च बटन. ओके ओके आया होगा, दिखते क्लियर क्वेरी माइक्रोसॉफ्ट 1.zip June 6, 598 MB. ओके तो 500 सुन लीजिए फिर से, कितने एमबी के है? Clear Microsoft 1.zip June 6, 598 MB की है गाइज़े. ठीक है तो इस पे आपको क्लिक करना है. ठीक है इस पे मैं क्लिक करूंगा, सुन लीजिए फिर से. Microsoft 1.zip June 6, 598 MB, zip archive. ओके तो इस पे आपको क्लिक करना है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा. More options button. Okay, मैंने क्लिक कर दिया, अब इसने मोर ऑप्शन बोला, इम्पोर्ट हो रहा है. ठीक है अबे हो जाएगा, वैसे हो गया होगा क्योंकि ज्यादा समय नहीं लगता इसको इम्पोर्ट होने में. ठीक है तो ये अभी इम्पोर्ट हो गया होगा शायद. इम्पोर्ट हुआ या नहीं कैसे पता चलेगा, आगे सेलेक्ट करते हैं. More options, speed 50, SPD, more options button. नहीं अभी इम्पोर्ट नहीं हुआ है, हो Stop रहा है recording button. अब हुआ होगा, देखते हैं. 5 minutes, speed, SPD, volume, bulk, pitch 20, pitch select, more options, select the tab. Okay. More, avatar, log. ओके अब ये इम्पोर्ट हो चुका है, मतलब क्या है ना जैसे ओके जैसे वो इम्पोर्ट हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा कि वॉइसेस यहाँ पे आ जाएंगे. जैसे कि पहले यहाँ पे वॉइसेस कुछ भी नहीं आ रही थी, अब वॉइसेस यहाँ पर आ रही है. सुनो More options button. More option पे क्लिक नहीं करना है अब आगे. Avatar log press to edit offline ZHCN. Xiaoxiao. ओके Xiaoxiao मतलब इंग्लिश की नहीं है ये, कोई और चाइनीज की हो सकती है ये, है ना. तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, कौन सी वॉइस पे क्लिक करना है ये बताऊंगा मैं जैसा बताऊंगा वैसे ही करना है, कुछ भी मिस्टेक नहीं करना है. अगर थोड़ी भी मिस्टेक कर देते हो तो फिर समस्या हो जाएगी. ठीक है आगे चलते हैं. Avatar log press to edit. ओके लॉन्ग प्रेस टू एडिट. आगे ऑफलाइन क्लिक टू लिसन बटन. क्लिक टू लिसन इस पे, ये इस पे क्लिक करेंगे तो लिसन होगा. देखो ये चाइनीज की है. ठीक है आगे चलते हैं. Avatar, Avatar, log, offline. ओके ये एक वैसे. Click to listen button. ये कौन से? 云霄雨季, 彩彻区名, ओके ये भी चाइनीज की है. ठीक है किस कैसे बोल रहे गाइस. Avatar, log, press to edit offline NG. Avatar, log, press to edit. ओके आगे. Sonia. Sonia है कि वाइस है. आगे चलते हैं. Sonia की है. Offline है ये वाइस. Click to listen button. Click to listen इस पे क्लिक करते हैं. The world breaks everyone and afterward some are strong at the broken places. चलो इसकी थोड़ी अच्छी है लेकिन हम ये वॉइसेस नहीं रखेंगे, जो मैंने इंट्रो में सुनाया है वही वॉइस हम रखेंगे, उसका नाम क्या है बताऊंगा मैं. ठीक है Avatar log press to edit offline. Avatar log press to edit. आगे चलते Ryan. Ryan है आगे. Offline Click to listen button. Click to listen.
Lolitar, light of my life, fire of my loins, my sin, my soul. अगर ये वॉइस आपको रखना है तो इसने जो बोला था ना Ryan, इस पे अगर क्लिक करोगे तो ये वॉइस सिलेक्ट हो जाएगी, लेकिन हमें ये वॉइस नहीं रखनी है, है ना। और आपको भी ये वॉइस नहीं रखनी है, आपको सिर्फ एक ही वॉइस रखना है। अगर दो या तीन वॉइस पे क्लिक कर दोगे तो फिर आपको समस्या हो जाएगी, ठीक है। इसलिए आगे चलते हैं। आगे आरिया की वॉइस है, ऑफलाइन क्लिक टू लिसन कर सकते हैं यहाँ से। ब्यूटी इज एन एनॉर्मस अनराइट गिफ्ट गिवन रैंडमली स्टूपिडली। ओके, ये एक वॉइस है, आगे चलते हैं। एवर लॉग प्रेस टू एडिट। जेनी है, ऑफलाइन क्लिक टू लिसन, यहाँ से भी इसको लिसन कर सकते हो। आगे चलते हैं। गाय, ऑफलाइन गाय की वॉइस है गाइस यहाँ पे, ऑफलाइन क्लिक टू लिसन, सुनते हैं गाय। The world breaks everyone, and afterward, some are strong at the broken places. Okay, ये गाय की वॉइस है, ठीक है, आगे चलते हैं। Avatar, log press to edit. Nirja. Nirja, देखो, Nirja की वॉइस है, आगे चलते हैं। Offline. Click to listen button. Click to listen पे क्लिक करते हैं। The world breaks everyone, and afterward, some are strong at the broken places. Yes. तो आपको Nirja की वॉइस रखना है, guys, ठीक है? यहाँ पे ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस है, लेकिन वो काम की नहीं है। तो मैं Nirja पे क्लिक करूंगा। Nirja, ओके, तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ। यस, ओके। अब जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो चुकी है। अब देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब बस हो गया। अब यहाँ पे और भी वॉइसेस है, लेकिन किसी भी वॉइस पे क्लिक नहीं करना है, किसी भी वॉइस को डिफॉल्ट नहीं बनाना है। अगर मान के चलो मैंने ये Nirja की वॉइस है, इस पर क्लिक किया और मैं किसी और वॉइस पे क्लिक करता हूँ, तो क्या होगा कि आप जैसे स्लाइड करोगे तो एक बार Nirja की बोलेगा, फिर स्लाइड करोगे तो जो वॉइस आपने फिर से सिलेक्ट किए थे वो वॉइस बोलेगा। इसलिए किसी भी वॉइस पे डबल टैप नहीं करना है, सिर्फ Nirja की वॉइस पे क्लिक करना है और यही वॉइस आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। या जो भी रखना है उसी पे क्लिक करना है। अगर आप दो तीन वॉइस पे क्लिक कर देते हो तो फिर वो समस्या हो जाएगी, फिर से आपको क्लियर डेटा करना होगा। इसलिए किसी भी एक वॉइस पे ही क्लिक करें, ठीक है। अब यहाँ पे और सेटिंग देख लेते हैं, क्या है, ठीक है। ये प्रभात की वॉइस है, इसको सुन सकते हैं, सुन लेते हैं। ब्यूटी इज एन एनॉर्मस एंड मेरिटेड गिफ्ट गिवन रैंडमली स्टूपिडली। यस, ये वाली है, ये रखना चाहते हो Nirja की, सॉरी Nirja की तो हमने सिलेक्ट कर ली है। हाँ, प्रभात की रखना चाहते हो तो ये रख सकते हो आप, ठीक है। लेकिन मुझे तो Nirja की अच्छी लगते हैं। ये एक है, आप देख सकते हो। चलो गाइस, तो मैं ज्यादा नहीं दिखाऊंगा, है ना, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत वॉइसेस यहाँ पे हैं, लेकिन किसी एक ही वॉइस को सिलेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि मैं इस वॉइस पे क्लिक करता हूँ, इसको डिफॉल्ट करता हूँ, ये सुन लूंगा उसके बाद दूसरी देख लूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा करोगे तो वो भी वॉइस सिलेक्ट हो जाएगी और वो भी वॉइस सिलेक्ट हो जाएगी, तो ये समस्या हो सकती है, ओके। इसीलिए तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक बार मैं इस स्टेटस से बाहर आता हूँ। ओके, मल्टीज पे, फिर से मल्टी टीटीएस पे क्लिक करता हूँ, फिर से हमारे ईटेल इक्वेंस इसको मल्टीज बोलते हैं। ओके, अनचेक्ड होम बटन, अनचेक्ड, क्या हो गया, बैक मल्टीज। ओके, स्पीड, अब देखो यहाँ पे स्पीड है 50%, यहाँ से स्पीड कम ज्यादा कर सकते हो, जैसे हम R2 TTS इक्वलाइजर में करते हैं। ओके, ये है वॉल्यूम 50% स्लाइडर, वॉल्यूम 50% स्लाइडर, यहाँ से वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते हो। ओके, पिच 25% स्लाइडर, पिच 25% सिलेक्टेड टैब, सिलेक्टेड टैब है ये। मोर ऑप्शंस बटन, अब मोर ऑप्शन में और भी कुछ क्या है देख लेते हैं। मोर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। सेटअप टीटीएस, अब यही सेटअप टीटीएस पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो प्रेफर्ड इंजन होता है ना, जैसे टॉकबैक में ओपन करके हम करते हैं, उसी तरह सेटअप इंजन पे, सेटअप टीटीएस, क्या बोला, सेटअप टीटीएस, सॉरी, तो सेटअप टीटीएस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो वही प्रेफर्ड इंजन हमारा ओपन हो जाएगा और हम इस वॉइस को सेट कर सकते हैं। चलो इस वॉइस को सेट कर देते हैं। सेटअप टीटीएस, सेटअप टीटीएस पे क्लिक करते हैं। अब टेक्स्ट टू स्पीच आउटपुट, ओके, टेक्स्ट टू स्पीच आउटपुट, आगे बैक बटन, टेक्स्ट टू प्रेफर्ड इंजन वॉइसिफाई टीटीएस बाय टेक फ्रीडम। ओके, प्रेफर्ड इंजन, अब यहां से मैं मल्टी टीटीएस को डिफॉल्ट करूंगा। प्रेफर्ड इंजन, अनचेक स्पीच रिजेक्ट वॉइसिफाई, अनचेक ऑटो, अनचेक विजुअल, अनचेक डीटीआई, अनचेक वोकलाइज, अनचेक मल्टीज। ओके, मल्टी टीटीएस, मल्टीज बोल रहा है मैं टॉकबैक, लेकिन मल्टी टीटीएस, इस पे क्लिक करता हूं।
Attention. 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 This voice cancel. Okay button. Okay. अब देखो Checked मल्टी TTS एक ओके देखो अब कैसे पढ़ रहा है गाइस बहुत ही अच्छे से पढ़ रहा है अब मैं क्या करूंगा होम करते हैं होम बटन अब कोई एक सिस्टम मल्टी TTS और गाइस ये TTS की गारंटी देते हुए कभी रुकता नहीं गाइस जैसे हमारा ऑटो TTS चलता है ना उसी तरह अब इसका नाम है मल्टी TTS अब आप लोगों का ये सवाल होगा कि सर क्या ये हिंदी भी पढ़ेगा जी हाँ पढ़ेगा लेकिन उसके लिए अलग से आपको और एक फाइल डाउनलोड करनी होगी लेकिन वो फाइल ऑनलाइन है वहाँ से आप ऑनलाइन ही जो है पर नेट रहेगा तभी वो हिंदी पढ़ेगा नेट नहीं रहेगा आपके फ़ोन में नेट नहीं चलेगा तो हिंदी नहीं पढ़ेगा बाकी इस TTS में और भी सुधार की ज़रूरत है बाकी हो ही जाएंगे सुधार धीरे धीरे है ना बाकी बहुत ही अच्छा TTS है गाइस सिर्फ अभी इंग्लिश ही पढ़ेगा ठीक है हाँ हिंदी के लिए अलग से अगर आप कहोगे तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा फिर मैं बताऊंगा कि हिंदी की फाइल कैसे यहाँ पे इंपोर्ट करके हम हिंदी भी पढ़ सकते हैं ठीक है तो अब मैं कोई भी बड़ा टेक्स्ट पढ़ के दिखाता हूँ होम बटन ओके सन देखो कैसे जल्दी जल्दी पढ़ रहा है ना कौन व्हाट्सएप ऐप लॉक व्हाट मैं थोड़ी यू आर रीडिंग दिस आर्ट मैं थोड़ी TTS बड़ा देता हूँ ठीक है डिफॉल्ट TTS फिफ्थ मैं जीसो यूज कर रहा हूँ फिर भी कितना फास्ट पढ़ रहा है 65 70 ओके 70 पे अब देखते हैं पढ़ते हैं क्योंकि मुझे एकदम स्लो पढ़ना अच्छा नहीं लगता सुनो यू आर रीडिंग दिस आर्टिकल थ्रू इंडिपेंडेंट ब्लाइंड ग्रुप इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू गेट एवरी इन्फॉर्मेशन ऑन योर व्हाट्सएप देन आवर ग्रुप मे बी राइट फॉर यू आवर व्हाट्सएप ग्रुप इज स्पेशल फॉर डिसेबल पीपल इज अवेलेबल इफ यू वॉन्ट टू जॉइन आवर ग्रुप प्लीज क्लिक ऑन दिस लिंक https://chat.whatsapp student, do a government job or do any other work information is available for everyone in this group. If you also have a disability, our group may be right for you. The objective of this group is Sabka Saath Sabka Vikas. Come, join our WhatsApp group and get all kinds of information on your WhatsApp and share this article as much as you can. Thanks, text box. Dekho guys, कितना फास्ट पढ़ता है कोई समय नहीं लगता जैसे जिस तरह हमारा इटैलिक्स और वोकलाइजर पढ़ता है उसी तरह ये भी एकदम फास्ट पढ़ रहा है आपने देखा होगा इतना बड़ा टेक्स्ट फिर भी इसने बहुत ही जल्द रीड कर लिया है ना क्लियर अब यहाँ पे कुछ टाइपिंग भी अच्छे से होती है टाइपिंग करते समय भी बहुत ही अच्छे से बोल रहा है जैसे मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ देखो कैपिटल पी पी आर आर ए एम ओ डी प्रमोद देखो कितने अच्छे से मेरा नाम पढ़ा इसने प्रमोद क्या बात है अटैच प्रमोद टेक्स्ट बॉक्स में स्पेस प्रमोद अब यहाँ पे लिखता हूँ क्या चलो कुछ नहीं लिखता वीडियो बड़ी हो जाएगी ठीक है तो इस तरह से आप सेटिंग कर सकते हो बाकी कुछ भी इशू होता है तो आप हमें अबाउट पेज से कॉन्टेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे और पूछ सकते हो या अगर हमारे ग्रुप में हो तो ग्रुप में ये सवाल कर सकते हो बाकी ये गारंटी देता हूँ रेडमी यूजर्स के फोन में तो ये TTS चलेगा ही और सैमसंग यूजर्स के भी फोन में चलेगा बाकी और फोनों की मैं गारंटी नहीं दे सकता ठीक है हाँ बाकी रियलमी का फोन है वहाँ पर भी चलेगा ठीक है और बहुत ही अच्छे से वर्क करता है गाइस आप चाहो तो इसको ऑटो TTS के साथ भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो ठीक है मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि ऑटो TTS के साथ हम इसको कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ठीक है इसलिए चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और माफी चाहते हो वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है मैं था आप सभी का दोस्त प्रमोद मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो